जेहि सुमिरते सिधि होई, अगन नायक करिवर बदना, अकरहु अनुग्रह सोई, अबुद्धि राशि शुभ गुण सदन, अमुक होहि बचाले पंगु चढ़ाई गिरिवर गहना, अजासु कृपा सदयाले द्रवहु सकल कली मल दहना, बंदहु गुरु पद कंजी कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पूंज जासु बचन रवि करनी कर। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये सभी परमात्मा के ही रूप हैं। इनका पंचभूत से कुछ लेना देना नहीं है, यानी पंचभूत की कोई वस्तु की आवश्यकता इनको नहीं है, ठीक ना। मात्र रचना, संचालन और संहार यही कर्म। हाँ, और पंचभूत का बना हुआ शरीर, अब मट्टी का लड़का लड़की बना करके अगर चाहे कि ओकर रचना पालन संग करी, ओमे प्राण दे दे, तो ये काम मनई नहीं कर सकते। मनुष्य इस संसार में कुछ कर सकता है तो वह है परम पवित्र प्रेम, बिना आसक्ति बिना ममता के सिर्फ सेवा, यही है संसार का जो तत्व है। एक अलावा कोनो तत्व नहीं बा। और यही जब प्राप्त कर लेगा पवित्र प्रेम, तब उसका जो है कि भगवान में परम पवित्र प्रेम हो जाएगा और भगवान में वह विलीन हो जाएगा। फिर वह जो है इस ब्रह्मांड के जीव, मतलब ब्रह्मांड का जीव बन के टहलेगा। पद लीन भई जह नहीं फिरे, माता शबरी लीन हो गई, जहां से वापसी नहीं होती। सो अनुभव किए कि परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने के बाद वास्तव में उस योगी का इस शरीर से कोई संबंध नहीं रह जाता। ठीक ना। तो कोई अपमान करे चाहे सम्मान करे,
यही ना, सर्दी पड़े चाहे गर्मी पड़े, परमात्मा की कृपा रहेगी, अगर रहेगा तो जहां तक पहुंचे वहां तक लोगों को खींच लेंगे। कर्म होता हुआ दिखाई देगा, ठीक ना, लेकिन परमात्मा को प्राप्त जीव के दृष्टि में धरती, स्वर्ग, वैकुंठ, मुक्ति के जितने भी भोग हैं, जितने भी भोग हैं, तीनों लोकों का राज ऐश्वर्य, संसार में मान बढ़ाई, पूजा प्रतिष्ठा, सभी क्षण भंगुर, अनित्य, रसहीन, हे तुच्छ और नगण्य हो जाते हैं, इनका कोई गणना नहीं रह जाता। तो जब उस स्थिति में संत पहुंच जाएगा तो वह संप्रदाय रचेगा? विचार करिए, ठीक ना? उसके अंतःकरण में किंचित मात्र भी विकार नहीं रहता, ठीक ना? भगवान विष्णु सत्वगुण अभिमानी है, ब्रह्मा जी रजोगुण अभिमानी है, शिव भगवान तमोगुणी अभिमानी है, लेकिन संत कोई अभिमान नहीं। ठीक ना? बड़ा सुंदर शरीर हो भैया, वहां उन्हें दिया भी गाबा ने कराई के पड़ी, ठीक ना? यही से विधि हरि हर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, ठीक ना? तो संत में कहीं आसक्ति, अभिमान, कर्ता भाव, ममता, फल इच्छा, इन सब का कहीं कण मात्र होने का जगह नहीं है। सच में नाटक करे बहन पियर पियर पहन के घूमता है, नहीं? हाँ, क्योंकि संत को लोग परमात्मा समझ बैठते हैं, तो उनका समझ गलत नहीं है, परमात्मा रूप होते हैं, लेकिन जो घूम रहे हैं या जो दुकान चला रहे हैं उसमें से कोई है नहीं, ठीक ना? तो अभी तक परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस स्थिति के महत्व और लक्षणों का वर्णन किया गया, अब उस स्थिति का नाम बतलाते हुए उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरणा करते हैं। देखिए अब प्रेरणा पहुंचेगा कि कैसे उसे प्राप्त करेंगे, बढ़िया नहीं बा?
पुरनिया लोग कहे उद्धव का लेना न माधव का देना, तू न सुने हो बे, सुने बे तू सबे सुने बे, डीओजी डाग, डाग माने कुत्ता, कहे कि अब जो हो वो बदल गा, ठीक ने। लोग बड़ा स्मार्ट समझ ले जाने ने, बड़े बड़े फोन ले लिए अंगूरी से चलावे वाला, अब सोचिए कि हमने ज्यादा स्मार्ट है ये तो बुढ़वा है इसका जनी है नहीं, लेकिन खिलावन बा जे खूब स्मार्ट बना कदा हुआ, देखी तू कितना स्मार्ट है, कॉन्वेंट एजुकेटेड है, अब देखा तो क्या अंग्रेजी बोला वाला हुआ है ठीक ठीक ना, देखो ये स्थिति बढ़िया नहीं बा। हाँ महाराज, पहले बात है ऐसे एकांत में रहेगा कोई के ताकत नहीं बा, ऐसा नहीं शंकर जी के भूत पकड़ी नहीं महाराज, ऐसे आई नहीं, ये बताओ शंकर जी के भूत पकड़ी तो शंकर जी के सेवकन के कहाँ से भूत पकड़ ली, सेवकन है बन महाराज जी बहुत पाओ ठीक। तो स्थिति को प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी प्रेरणा देते हुए अध्याय छठवें के 23वें श्लोक में कहते हैं कि तम विद्याद दुख संयोग अवियोगम योग संगितम अशनिश्चेनायोक्तव्यो अयोगो निर्वीण चेतसा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए, वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। ये नहीं कि उकता के जो है अब हम भी योगी बनेंगे, वो इसे न हुई, धैर्य से समझुए। तो दुख रूप संसार के संयोग से रहित, संयोग वियोग जानल है का होला, तो जो संसार के संयोग से रहित हो तो हो नहीं सकता है, गर्भ में रहते हुए प्रयास करके क्या बा, प्रयास में कौन करेगा बा, घरवा बाए जौन क्रिया कर्म होता उसे अपन कोनो संबंध नहीं रखना, बस बस हो गया, ते में कौन प्रयास करेगी बा। हाँ, नहीं धीरे धीरे खजा बा, शक्ति बा तो धीरे धीरे ना हो याने, वो एक पतिल को अगर तार छुए बा तो करेंट आवत रही, ठीक ने, तो पहले मोटका छुए रहा पतिलका छुए बा, वो आसक्ति है ना, होल आइसन
शरीर जहाँ बा जो निमित्त बा चार प्राणी बहन जो उसको होता होता, लेकिन उससे अपन कहे कि जब अपन स्वरूप इसे समझो, अपन स्वरूप आत्मा जब एकदम स्थिर कर ले बे, अब दरअसल ये स्थिर कब होला, जब तुरियावस्था में जाके विज्ञान हुई तब, और अपने आप के अगर सेवक भाव समझाते तो जब सीधे बता देते हैं, शरीर मानत है तो तू कुछ नहीं है, शरीर अगर मानत है अपने आप के मन बुद्धि मानत है तो तू कुछ है, चाहे कि मन बुद्धि शरीर कुल खत्म हो जाई कि ना हुई, शरीरी का नाम अगर मानत है तो नमो न रही वो खत्म हो जाई। देखो जब पता होगा कि असली स्वरूप आत्मा है और आत्मा लिप्त नहीं हो, अगर दुविधा में रहबे यानी कमर हिलुआ वाला कभी इधर कभी इधर नहीं हो से काम, हाँ आत्मा है तो बस आत्मा रख करके जैसे में धीरे धीरे कैसे हो बताओ नहीं, अरे भाई या तो छुए रही या तो न छुए रही महाराज, छोरो मेरारू चाटे लड़की होती तो पूछी, अरे कुछ हो जाता ढीला उतना बहुत माने का बना मन से नहीं छुए के बाद, मन से अगर मनबे कि हमारा लड़का हो, अरे वो प्रकृति का तत्व हो जाने, देखो प्रेरणा बदे भगवान कहत है तो ये समझो, ये वीर कोनो लेबोरेटरी में नहीं बनत, वो प्रकृति में ही बा, ठीक ने, और ये शरीरी शरीरिया प्रकृति का, और तू पुरुष है प्रकृति नहीं है, पाइप जोड़ा लेना पानी गिराओ बदे तो पाइप कहे कि पानी तू हमारे बिटवा है तो पानी वो पाइप पानी पैदा नहीं करेगा, वो खाली माध्यम हो है ना, तो पुरुष के नारी पैदा नहीं करती, वो खाली माध्यम है, ये समझ ले, पुरुष हमेशा असंग होता है, पुरुष मात्र सहयोग करता है, पुरुष के द्वारा मात्र प्रकृति के संतुलन में सहयोग होता है, ठीक ना, वह अज्ञान के कारण लोग मान लेते हैं कि अरे नारिये तो पैदा कर ली माई सबसे ऊपर, ऊपरे क्या का ताकत बा, ठीक ना, तो पहले तो पुरुष बना, पुरुष के बाद में अब वैसन पुरुष पैदा करे वाला आत्मा बनो, यह न लादी के खिलौना माने से कुछ हुए वाला नहीं बा, साधे बदे बस इतने बात, जब तक माता पिता रहे तब तक निष्काम सेवा दे, उकरे बाद में जो कुछ बा बाल बच्चा के समावा उस तपस्या बदे जंगल नहीं काल कुसुंडी जी तब गए ने भय काल बस जब पितु माता तब मैं गया हूं भजन जन त्राता, गरुड़ जी से यह कहने ठीक ठीक ना, तो पुरुष भी असंग होता है, आत्मा तो बिल्कुल अलग है,
पुरुष भी असंग होता है। देखो भाई थोड़ा सा लगी, थोड़ा सा, थोड़ा भी आवश्यकति है तो पुरुष अपने आप को मत मानिए, तो पुरुष नहीं, क्योंकि पुरुष कभी आवश्यकति हो ही नहीं सकता। पुरुष में आवश्यकति का कोई प्रश्न नहीं होता। कि जोग विराग अज्ञान विज्ञान ए सब पुरुष सुनहु हरि जाना। जहां राग नहीं बा वहां लगाओ कहां रही। वैराग से तो पुरुष तत्व तो शुरू होता नहीं, ठीक है। आदमी का शरीर बा खाली, लेकिन वो पुरुष नहीं। क्या गणेश जी तू पुरुष हो गई ले? अभी लड़का है जाने? देखो वास्तव में असली दौड़ ए तरफ बा, ठीक ने। पुरुष तो भा देखो ये बोले प्रकार ओमे पेंसिल कसा रहला, लेकिन प्रकार पेंसिल का अंश नहीं हो, ठीक ना। तो दो प्रकार है और ही परिवार का हो पेंसिल, वो कसा रही थोड़े में, लेकिन तू के छू नहीं सकते। मैंने स्पर्श रहते हुए भी पेंसिल के कोनो गुण प्रकार में जाला उसे स्टील का होता है, समझो भाव के। क्या की प्रेरणा वाली बात बा तो सब कसर है जाने। छुटवार नात नतरुआ हुए वो बिल्कुल आके गर्दन पकड़ के झूम जा, नाना जी 5 रुपया दीजिए, खूब कस जाए है ना। 5 रुपया दे जो कुछ भी करो, लेकिन उसमें लगाओ और ये जो संसार में क्रिया होती है वो स्पर्श के माध्यम से होती है, और स्पर्श ही लगाव का कारण हेतु। राम सिंह भाई हेतु, हेतु बने कौला कारण है ना। तो क्या करेगा बा मनवा से नहीं छुए के बा, ठीक ना। तो ठीक है मन से न छुबे क्यों, मैं प्रयास कर बा वही। अरे यार 14 महीना होगा ना, 9 महीना में लड़का पैदा होने जाऊ खिलौन भाई पता नहीं वो के रहा जो है। तुलसीदास जी 12 महीना में पैदा फलन का, तो तुझे 14 महीना में पैदा न हो गए, ठीक ना। हाथ लगल है ठीक हो, सब भगवान के लीला हो, सबके भगवान का अंश जान करके खूब प्रेम करो, ठीक ना। तो इस प्रकार दुख रूप संसार के संयोग से रहित हो जाएंगे, ठीक ना। समझ नहीं आता जब वो प्रकार का चीज रही ना सब पागल कह लगी हमारा जो अलग हो जाएगी वो कही कि हाँ ये तनखो एक मुँह है मां नहीं बा ये बेकार होगा। मोह माया के सब अच्छा समझ ले, आपकी क्या लगता अच्छा हो नहीं फसब फसुआन है
तो हमेशा जैसे अगर आज अगर ही संकल्प ले ले ले, देखो ऐसे समझो कि कुछ हो भैया लेकिन ये सुधी कभी ना भूली, कौनो क्षण कि शरीर शंकर जी का सेवक है, शंकर जी एकर स्वामी है। जैसे प्रकार एक जगह गड़ा दे ले, तो अगर आज यह एकदम गड़ा ले, ये शरीर सेवक हो और शंकर जी एकर स्वामी है, तो वह एकदम स्थिर करे रहा, बाकी शंकर जी तुझे कूल करा ली है, अपने में मिलाऊ ली है, धामों में भेज दी है, सब कुछ कर ली है, लेकिन इतना खाली संभारे रहो। जने मान ला वही नहीं ताकतवान है, अब वही ऐसे पेंसिल घुमावे में जिसे अगर खाली धीरे से प्रकार रखबा तो उसको ला हिल जाए, घड़ाल है, एक चीज स्थिर कर ले बे, यह भूले कि नहीं बा, और माया ही है तो उसे सबसे भूलवावा का प्रयास करी। अरे सुना तू जी जाजी है तो नहीं हमरो लगे बैठे नहीं गणेश जी जाने, तो वहां बच्ची अगर छोटी साली बा तो बच्ची अब का बैठे, अब का बा बिटिया खुश रहो, तुहरो ब्याह होगा बा ने, खाली पति के चरण ही चित्त में बैठा हो बच्ची, याने साली छोटी के अर्थ होला छोटी साली माने बेटी, याने ये समझा ला कि नहीं। हाँ ठीक ना, हाँ तो ऐसे कुछ नहीं, पत्नी तोहरे का होगल तनको आजकल तू हमसे जो ठीक से बोलते नहीं, मन नहीं लगते, क्या धर्मराज के माई एकदम बता दी ना, जब नारी के प्रति बिल्कुल श्रद्धा भाव फिट होएगा तब यह चढ़वे, जाने यहाँ कुल बाबा बन के मरू जाता है तब वो फिट नहीं कर सकता है, ठीक न। और जगह मेरारू से ज्यादा बोल चलना ही बा, वो तो समझ लो बड़ा भाग्यमान बा, जाने रामजी भाई जगह मेरारू कभी गोल नहीं दबावा था वो और भाग्यमान बा, और जे बिया नहीं करा था वो तो सबसे बड़ा भाग्यवान बा, जने गणेश जी ने है वो भाग्यवान बा जे बिया नहीं भेल या नहीं कारण वे नहीं समझ ले स्थिति बड़ा नहीं पर भाग्य जाएगा। हाँ लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करे वाला, हाँ महाराज तो वो क्षमा गुरु के भाई तरह नहीं, उन ब्रह्मचारी है नहीं तब वो दिखाइए कि हम ब्रह्मचारी हैं ने? तो ध्यान दे, दुख रूप संसार से हमेशा के लिए संबंध विच्छेद हो जाना ही उसके संयोग से रहित हो जाना, संबंध विच्छेद डाइवोर्स तलाक है ना, तो संस्कृत में ई जोन पति पत्नी का रिश्ता बनाला संदेह संबंध विच्छेद बदे कहीं कोनो संस्कृत के शब्द नहीं बा,
काहे कि हो ही नहीं सकत। ई जोन कोर्ट कचहरी में सब नहीं करते ओकरे बदे संस्कृत में कोनो शब्द नहीं बा। पति पत्नी में संबंध विच्छेद हो नहीं सकत। पति पत्नी में संबंध तो मतलब कि बन सकला लेकिन विच्छेद जब संबंध बन गल तो फिर विच्छेद तो हुई ठीक ने। अब दरअसल लोगन के कुछ पता नहीं बा। हाँ उन तो खाली अपने काम का वस्तु समझे बन तो उनमें कुछ करो ठीक ना। तो संबंध विच्छेद का अर्थ यहाँ पर यह है कि उनसे आसक्ति का समाप्त हो, सेवा भाव रहे उसमें कोई दिक्कत, जहां जिसन जरूरत पड़ा कहे नहीं। ठीक ना गणेश जी, ताज हो जाई। हाँ ओके। असली सौकाई यह हो कि जब तत्व का ज्ञान मिले कि यही रास्ते से चले के बाद तो फिर क्या करवा उनमें लगाव रख के। अरे तनी अपन बच्ची लिया और तैयार खिलाई दू मिनट एकर सोच दिमाग में रखे की जरूरत नहीं बा। ये ने उस स्थिति में योगी के शरीर इंद्रिय और मन द्वारा चलना फिरना देखना सुनना या मनन और निश्चय करना आदि कार्य होते ही नहीं। ये दूसरे कॉलर है हम गुरु निश्चित कर ले जहां खाली है ना निश्चित कर ले ले। ये क्या मतलब वो बुद्धि के काम बा। ये कुल ड्रामा करे की जरूरत जहां से शुरू करे के बा। ये तो साधन हो और ये जब साधन भी निकल जाये तो तू निष्काम सेवा के लायक भी तू भक्ति क्या करवे वो तो यही में निष्काम साधे के समझे रहे। जहां निष्काम बा वहां ज्ञान बस सब एक भार समझ लेला। रवि गुरु जब अमेरिका से आए जने तो तिवारी जी कहें कि बेटा रवि शंकर तू हमार बहुत बड़ा भार उतार देले। है चाचा जी ऐसा करिए बात यहीं पर बंद कर दीजिए। आप किसी एक ऐसे बढ़िया व्यक्ति का अपॉइंटमेंट करिए जो बात कर सके। शर्म नहीं आती आपको? अपने पुत्री को भार समझते हैं? भार लाद रहे हैं आप। कोई व्यक्ति जो संस्कारिक हो उसको बीच में रखिए, नहीं आप बात करने के भी लायक नहीं है। इतनी भी बुद्धि नहीं है बेटी को भार समझ रहे हैं? ने राजधानी से उतरा रहे हैं यही मुगल सराय और शुरू में मुगल सराय से चले बनारस। बदले अपन कार लेके लोग कर रहे हैं इतना कच्चा का बात पहले ही होगा उनसे जब हक्का बक्का बन करे ये तो लड़का बड़ा बत नहीं क्या नहीं किसी आदमी को रखिए आप क्या समझ रखे हैं? बेटी को भार बोलते हैं शर्म नहीं आती या ना? हाँ भाई देखो समझ जा ठीक ना। तो ऐसा नहीं है बात कभी पूरा नहीं भा। ऐसा नहीं है कि वह चलेगा फिरेगा नहीं बोलेगा नहीं सुनेगा नहीं मनन नहीं करेगा निश्चय नहीं करेगा
उसके शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि सभी से प्रारब्धानुसार समस्त कर्म होते हैं। अब जिसे प्रारब्ध होगा कि धरती पर कहीं पुरुष तत्व देखो होता तो हो रहा बा कि नहीं, समझो ऐसा नहीं हो। हाँ बड़का बाबा जी हाय, ही ड्रामा ना, तुम आए हो कहीं 50 किलोमीटर दूर से, हाँ उसे बोलो बैठे अभी हम ध्यान लगा रहे हैं, एक मतलब तू कच्चा भाई है, ठीक ना। हाँ वो संत बदे कहीं ये कुछ ड्रामा नहीं बा कि कोई भक्त कहीं से आवे और वो जो ना वहाँ बैठ के इंतजार कर, अरे वो 5 मिनट बदे आल तो के 5 मिनट में वो मार्ग दे दे जोने सोकर कल्याण हो, कुल कुआ में बैठो ले जाना है तो जे दूसरे बदे कुआ खोदी हुए एक दिन वही में दब के मरी कुल ऊपर से पार दी है जाना, ठीक ना। देखो लेकिन ओकर स्थिति अब कर्म होता, अब यहाँ जिसे देखो था आसक्ति ममता कर्ता भाव फल इच्छा ये सब कहीं जगह नहीं बा, वैसे ही आप जहाँ है वहाँ वैसे ही कर ले, ठीक ना। अरे भाई पिताजी बाहर तो लड़की के शादी करना ही था, कर्तव्य कर्म बा तो वो होता, एमे कौन बड़ी बात बा, एमे कोनो भार या कोनो ऐसा बात है नहीं बा, और तू कर्ता का है वो तो पिता के कर्म हो, ठीक ना। फिर भी इतना सब होते हुए भी ध्यान दे, ऐसे योगी महात्मा के ज्ञान में एकमात्र परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी न रह जाने के कारण उनका उन कर्मों से वस्तुतः कुछ भी संबंध नहीं रहता, ठीक ना। तू दशरथ जी बन जा, गणेश जी बन जा, परम धाम में चित्त पहुंच जाए, लेकिन वो कर्म से रवि गुरु का कोनो संबंध, यह भगवान कहते हैं। तो देखो तब अभिमान कहाँ से आई, विचार करो कि मतलब कुछ भी हो जाए, सतयुग का स्थापना हो जाए, सबकर बुद्धि पवित्र हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो क्रिया से कोनो संबंध, तो संबंध नहीं तो पुरस्कार कहाँ से चाहिए, विचार करो, ठीक ना। तो अभिमान के कहीं जगह न रह जाए, ये बारीकी की पकड़ है। अच्छा आप लोगों का तो थोड़ा थोड़ा काम बा, अब यहाँ देखो पूरे ब्रह्मांड के स्तर बा और आपको तो बहुत थोड़े में नहीं बा। तो राम सिंह भाई अपने बिटिया के ब्याह की चिंता तुरे लगा बा, तमाम बिटिया बाई धरती पर उनकी चिंता करो ले को मिनट बदे नहीं रहे, तो ये खाली साधन हो जाने भैया, और इनमें खाली निष्काम भाव से सेवा दे, उके सही ज्ञान दे जाने, वो बच्ची आ तो उसे कहे कि कुल भूल जाए सही ज्ञान देना ही पिता के कर्म बा। कहे कि जवान चरित कर पक्का कर ले बात आगे निकल जीवे, नहीं पक्का पक्का एक सीढ़ी पर पैर रख बात अगले पर चढ़ जीवे है ना, और खाली चीड़ी ऐसे छू के सोचा कि ऐसे उठा के रख दे
ऐसे बारह पढ़ते नीचे आ जाएंगे, ठीक ना। तो उसकी इस यह स्थिति ध्यान काल में व्युत्थान काल में हमेशा एक सी ही रहती है। जब पूरा वो परमात्मा मैं होगा, सही सिया राम मैं होएगा, तो खूब मोज टेक किया वो बैठो बैठो अब बैठो सामने से फिर बात करो। तो हमेशा एक सी बनी रहती, उसमें कोनो जज की जज का जगह कहाँ बा। तू खूब ज्ञान ले बा, ढेर सारा अभिमान भरे बा, तो भरे रहो बा, ठीक ना। तो देखो यही अवस्था में खाली मन के पहुंचावे की बा, यही अवस्था में मन के पहुंचावे की बा कि जौन भी निमित्त सेवा बा वो सेवा हो रहा बा, लेकिन उसे कुछ अपन संबंध नहीं। पुरुष हमेशा जो है असंग होता है, पुरुष प्रकृति का विकार नहीं है, पुरुष के ही संयोग से प्रकृति का संतुलन बनता है, ठीक ना। तो पुरुष बनिए, लादी के खिलौना बन के सोचे से काम नहीं, नहीं देखबे बहुत सा ऐसा मेरा रूप है कि अपन दो तीन से लड़का ही पैदा करें, उकरे बाद कोनो बीमारी भा मर गए, बाकी लड़का बाबू जोन बन अपन ओके चूल्हा जला के खियावत पियावत बा, नहीं फोन अपन काम करके चल बेचारा मन ही फंस गया। अगर जेकरे की हाँ ई बा तनी मर्यादा के समझौता कि नहीं दूसर ब्याह करब तो जोन कि वो मतारी पता नहीं हमरे लड़कन के साथ कितना बर्ताव खराब करी, तू का करी वो तो कुल करवे करी अपने न तो समझो बस इतना करेगे बस कि अपन जौन निमित्त सेवा सेवा दे, लेकिन वो क्रिया से कोनो संबंध ना। जब ई अगर स्थिर करे रहबे ना तो तू कोनो गलत कमवे ना करबे। जब क्रिया से कोनो संबंध रखेगे नहीं बा तो फिर गलत क्रिया करबे तो वो तक फंसा दे। तो दृष्टा अच्छा समझ ला, तो कोनो स्थिति परिस्थिति रहे ओमे उतर को बिछली न हो, बल्कि कितनो खराब स्थिति ओके संतुलित बना ले, संतुलन न हो जाए। कोई कितनो जजक के आवे यहाँ अब भा बैठो देखो लगा हुआ बुद्धि समझो खूब समझो बढ़िया। अब वो कुल जौन क्षमा धैर्य जोने अवस्था के बाद बा वो आप लोगों की याद दिया नहीं गा बा, जबरदस्ती पंडित बन जाइए वो तोरे की यहाँ भी नहीं बा। हाँ तोरे क्या इतना ताकत दिया गा बा कि कितनों चोट लगे लेकिन चोट अनुभव न हो, ये ताकत आप लोगों की यहाँ बा। राम सिंह भाई ऐसा रहन राजा दशरथ जी देख काम प्रताप बढ़ाई, यानी ये बात पर जो है लल्लन जी से काफी जो है होएगा तगड़ा बात। कहें कि मम्मा समझो कामदेव इतना उन्हें कमजोर मत समझो, शंकर जी से भी पंगा लेवे के उ नहीं। तो कहे कि तब ललन जी के समझता हूँ वहाँ ही रुका शरीर
तहु समझो। तो बाद में फिर ज्यादा डिस्कस तो नहीं कर, लेकिन समझ में आया कि वो चमड़ा वाला कामना दशरथ जी के नहीं रहा, वो जो बाब अपन बाड़ी दे दे वो है निभावे वाली बात रहा, वो शरीर के कामना। ठीक है, तू तीन तीन थे बिया अपने कामना की पूर्ति बदे कर रहे हैं। अब आज के मन ही कैसा दिमाग होगा बा, तो वो है कामना। हाँ, दशरथ जी की ऐसा कोनो मतलब नहीं। ठीक है, माने वो चमड़ा वाले कामना के बस में दशरथ जी। हाँ ठीक, लेकिन अब कहे कि ज्यादा जब वो अपने से पूछिए तो बात करब, लेकिन ऐसे आपके क्या लगा था कि चमड़ा की कामना से उनका वो बात रखे नहीं है, अपने बाड़ी के बात रखे। हाँ, वह तो असली प्रेम है, माने जोन कहो वह। तो दृष्टा और दृश्य का दरअसल फिर कामना में देखा था, समझ जाए कामना में तू लालसा आशा वासना स्प्रिया और तृष्णा इतना चीज बने, तो कोई के बाणी दे बात के ऐसा बात धरती पर जे कि अंदर से भाव हो कि हमार बाड़ी कट जात, हमार बड़ा बेइज्जती हो जात, ऐसा एको मन ही सोच सकल है। नहीं, नहीं, भले चोर है, भले चोर रहे, लेकिन वो अपन बाड़ी प्रयास होकर यह रही। पुलिस वाला पकड़ के जब पूछी, हाँ। तुम चोरी क्या कहे, नहीं साहब हम कहाँ चोरी करें, हमें झूठा फसाओ थे साहब, हम चोरी नहीं करे साहब। ओकरे की जितना कला रही कुल, लेकिन जब थर्ड डिग्री पड़ी तो सोची कहीं फोर वाला ना पड़े उसे पहले बा। अच्छा, ये मामले में ए शरीर के ऊपर कभी कोनो पुलिस का डंडा या हाथ पड़ा नहीं, हेरकर बड़ा बढ़िया रहा ने। लेकिन जेल गावा खबरी कहाँ से आल भाई याने पुलिस के दंडा और हाथ है शरीरी के लगा नहीं, लेकिन जेल गाबा बतावे याद है खोपड़ी फट जाई। अरे कुछो नहीं, बीएचयू में दंगा भर आ याने, और कुल लड़का गल हैं सेंट्रल जेल चौका घाट, वही में एक भतीजा भी रवि गुरु के घर आ वही से मिले गल है वही से ठीक ना। अरे भाई तू तनको एकदम चिंता मत कर, इतना नहीं जेल के रोटियों खाए रहे जोन जेल कराया जहाँ से जेल अगर रहा हुई नहीं ना, मेरा जेल को नरक के लेकर ला गया अपन ठीक ने मिले वाले जोन कुछ यही सेंट्रल जेल चौका घाट हो ठीक ने। तो कोई बात नहीं, तो समझ में आल ना। तो दृष्टा और दृश्य का संयोग अर्थात दृश्य प्रपंच, जितना आंख से दिखाई दे रहा है सब प्रपंच है, सब क्या है
कहे कि माय ई रहा शरीरियो देखाता तो यो प्रपंच हो। हाँ हो शरीरियो पांच तत्व के प्र माने प्रधान, पंच माने पांच, तो शरीरिया में प्रधान रूप से पांच अठे बान है ये, ठीक ना। यानी दृश्य प्रपंच से आत्मा का देखो समझा भारी चीज जाता भाई, जो अज्ञान जनित अनादि संबंध है वही बार बार जन्म मरण रूप दुख की प्राप्ति में मूल कारण है। जो शरीरिया के संबंध के तू सबे अपन आत्मा के संबंध मान ले बाय, यह हेतु ठीक न। तो दृश्य प्रपंच से आत्मा का कुछ भी संबंध नहीं है, जो माने हैं वह अज्ञान जनित अनादि संबंध है और वही बार बार दुख रूप जन्म मरण के चक्र में यानी जेल में डालने का काम करता। तो जब आप आत्मा हो गए और प्रपंच से कोई आपका लगाव ही नहीं रहा और एक पर बुद्धि के अपन सेवा जो निमित्त डाल दे करके अपन निकल ले ले तो फिर कहाँ माया फंसा पाई। कहे कि जैसी माँ की मन की अवस्था होगी वैसा ही जीव, तो आप जब मुक्त रहे तो कहा वो जीव के कहा वो गर्भ में ले पाई, ठीक ना। ओकरे बदे फिर माता कौशल्या बनी है तुम नहीं गए तो कौशल्या जी बने वाला कोई बा है, ठीक ना। तो देखो भैया इके समझो थोड़ा बारीक बा कि आत्मा का जो अज्ञान जनित अनादि संबंध है, अज्ञान माने मोह, मोह से न संबंध माने बा ऐसा कोई बात कि जिससे रहते मोह न लगे और संबंध हो, जो आधार बा जाने वही बार बार जन्म मरण रूप दुख की प्राप्ति में मूल कारण। प्यास हटा दे क्या कि सेवा बदे जो सोचोता है ओकरे बदे तो स्वतंत्र बाय करो आजीवन करो उससे कुछ लेना देना नहीं बा, ठीक ना। यह ज्ञान होवे तक जीव अज्ञान के जो संबंध बा वह रखत रखत मर जाता मरता। और जेके यह समझ में आ गया कि आत्मा के ऐसे कोनो संबंध, जो सोचाता है मन से सोचाता है, जो करता है हाथे से करता है, घोड़े से दौड़ता है नहीं, और वो बेकार के वो फसाही वाला बन है। कहे कि आसक्ति ममता और कामना ये आधार पर जितने भी कर्म होंगे वे मात्र बंधन के ही हेतु नहीं, तो अपने के बांधे बदे पगहा बनावत तो बुद्धिमान वह
सतही बुद्धिमानी नहीं बा, खंगारी मिला भिजा लकड़ी काट लिया वे जने, तू जाके अपने बड़ेर काटे लगले गिरा भाव। और बाद में कह कैसे कह, तो कह लकड़ी तो हमें लकड़ी दिखा ली है, ठीक है। तो यहाँ निष्काम सेवा कर, लेकिन लगला आसक्ति ममता और कामना के जो है पालन पोषण यही के करत है न, जे न मनी ओकरे बदे ज्यादा लोग करी है, कि जैसे हमें माना हम तुहार होई नहीं, ये ने तो यही ज्ञान होने तक जखा जब ये बात बुद्धि में बैठ गया तो अपने अपन निष्काम शुरू हो जाई, कि प्रयास करेगी पड़ी तो जो सिद्ध महात्मा पुरुष होंगे उनके अंदर आसक्ति ममता कामना ये सब का कहीं कण भी नहीं होगा। तो ऐसे महात्मा के पास पहुंचकर इन यथार्थ ज्ञान से भली भांति मन को नहलाना चाहिए। तो सब ऐसे ही भेष तो बनाए बहन कि हम बहुत यथार्थ ज्ञान देवे वाला बाबा जी है, लेकिन उनके चरित्र में न रहे से वो कपट डाला था नोई में जने, पता चला कि कोई के बिच्छी मारे बा जने, और गैन दवाई बदे तो शराब पिया दे, और वो मद में मस्त हो गए, और जहर अपन और ओकर प्रभाव शराब के मिले से और बढ़ी, ठीक न। तो वह बा सांसारिक विषय में फंसा हुआ जीव पहुंचा बाबा जी की यहाँ, और बाबा जी ला देन 20 से भंडारा करबे तो तहार मुक्ति, और देखो ये किताब आवा दिखाई, देखो ये लिखा बा, अरे लिखा का बा कुल कपटी लोग उमे डाले बहन नहीं भाई, असली तो यज्ञ ही बा हमारा सबसे बड़ा यज्ञ ही बा नहीं, तो देखो वह विषय बढ़ा कि नहीं बढ़ा। बाबा जी का फोटो लाना है, उनके लिए अलग से कुटिया बनाना है, लाची दाना चुनार से मंगाना है, और बढ़िया सेंटेड वाला अगरबत्ती मंगाना है, और गाय के घी से ही उनका आरती, कुल काम बढ़ा कि नहीं बढ़ा, जे काम बढ़ा दे वो बाबा जी देखो कितना काम से छूट गई ले, तब रे शांति बा शांति। तो साधन का फल प्रत्यक्ष न होने के कारण थोड़ा सा साधन करने के बाद मन में जो ऐसा भाव आया करता है कि न जाने यह काम कब तक पूरा होगा, मुझसे हो सकेगा या नहीं, उसी का नाम निर्वीणता अर्थात साधन से ऊब जाना। ऐसे ही जो कमजोर लोग रहते हैं ना, तो आसक्ति ममता कामना कुछ छूटा नहीं, और
लोग देखे कि भाई ये तपस्या में रहे, और तपस्या में जब रहबा तो जरूर वाणी में थोड़ा मधुरता आ जाई। दो चार लोग पहुंचे, सबको आशीर्वाद दिए, उसमें किसी का काम हो गया, सब भगवान मान लिए, तब इस वो साधन छोड़ के फिर वो बन गए गुरु, और पता चला उनके यहाँ कुछ बाना है। क्योंकि जो सिद्ध पुरुष होगा उसके यहाँ ये सब आसक्ति ममता कामना कहाँ मोह माया रहेगा, नहीं इतना तो समझ में उठे बा। तो ऐसे भाव से रहित जो धैर्य और उत्साह युक्त चित्त है उसे अनिर्वीण चित्त कहते हैं। माने अनादि काल से ही आपका ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा भगवान दे दे बा, ये कोनो नया बात नहीं बा, लेकिन धैर्य चाहिए। जैसे आप चलबे जब देखबे, तो जब देखबे तो धैर्य पहुंच जाए, यह न इसका यह भाव है कि साधक को अपने चित्त से निर्वीणता का दोष सर्वथा दूर कर देना चाहिए। जौन दोष आप बार बार कहले कि महाराज आपके तरह तो न हो पाई, ये दोष हो, आप लोग तो बड़ा आराम से हो जीवे, खड़ाक से जहाँ कर्तव्य कर्म निपटे जने, हाँ वो दोष हो, ऐसा कोनो बात नहीं बा। जवन काम मनई के शरीर से होता अब वो अनादि काल से मोह माया बने, तो उसे तनको जो है भ्रमित अब मत हो। योग साधन में और रुचि उत्पन्न करने वाले और धैर्य तथा उत्साह में कमी करने वाले भावों को समझो। गणेश जी पक्का पक्का अपने चित्त में उठने ही ना देना चाहिए, और रुचि थोड़ा भी इंटरेस्ट कम ना हो। प्राणायाम चल रहा है, ध्यान चल रहा है, जो चल रहा है वह दिन पर दिन बढ़े, है ना? और रुचि उत्पन्न करने वाले और धैर्य के उत्साह में कमी करने वाले भावों को अपने चित्त में जगह देना ही नहीं चाहिए। मन ही के शरीर यही काम बदे मिल ले बा, नहीं भगवान के एहसान फरामोश बनबे। जब कहता है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, नहीं जब पता बा कि जगमगपुर पैदल पैदल चल जा और वहां से 8 रुपया दे बा, वो पड़री उतार दे ऑटो वाला, 8 रुपया देबे तो डगमगपुर से वो पड़री पहुंचा दी। जब पता बा और तू ओके 10 रुपया दे ले याने, और वो पड़री नहीं पहुंचा तो समझ न जीवे कि तब तू कहीं बिच्छे में पकौड़ी वगैरह खा ले होबे, मिठाई खा ले होबे, सिगरेट पी ले होबे, यही से तू वहां तक नहीं पहुंच पी ले। वही सही मनई के शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा माने मुक्ति तक ही शरीर से जा सकला जीव, तो बीचे में जब फंस गई ले हर वार तो कहला कि
हमार समय नहीं ठीक रहा गुरु, याने ये शरीरी के कुछ ऐसा भगवान शंकर जी चलाए बने जिनके सामने कोई के को बाणी चलबे नहीं कर। हम क्या करी छोटे के रहे तब बे बाऊ मर गए, क्या तुम्हारे बाऊ नहीं रवि गुरु के बाऊ मरे ये चक्कर में याने। हाँ माने काल ही कर्म ही ईश्वर ही अब मिथ्या दोष। हाँ सही रास्ते पे चलबे ना, समय पर कर्म पर और ईश्वर पर झूठा आरोप मर देवे और ओकरे बाद में सबसे ममता लगेबे। हम तोके कितना मानी ला तू कुछ नहीं मानते, मनोत नहीं देले शंकर जी के। राम सिंह भाई तू अपन कुल मन दे देले। हाँ ले ये बा कहीं जाए कि नहीं बा या ना बोले नहीं ना। तो देखा मनो से कोई नहीं माना था तब वो देखवा ममता न गणेश जी हम प्राण से भी पढ़ बढ़ के इन्हें मानी ला इन्हें का हो गए कोनो बाबा के देखो तो मौलवी के कुछ नहीं ये न हाँ पाड़े जोन जिन करवा नहीं वो करो मौलवी किया भी लेके गया इन्हें नहीं। कोई आदमी दुखी हो तो उसका सहयोग करे चाहिए क्योंकि और फसावे चाहिए ठीक ना। फिर ऐसे चित्त से योग का साधन करना चाहिए जिस चित्त में पूरा विश्वास हो पूरा धीरज हो कि नहीं हम भी चलेंगे साधन पे बैठेंगे तो जैसे गुरु जी पहुंचे वैसे हम भी पहुंच जाएंगे ठीक ना। खिलौन भाई कहीं दिक्कत तो नहीं बा, एकदम दृढ़ता के साथ निष्काम सेवा में लग जा। हाँ और यह निश्चय होता है श्रद्धा और विश्वास से। तो देखो भाई विश्वास तो तुके मिलेगा और अब खाली पूर्ण श्रद्धा आपका हो के चाहिए। अगर पूर्ण श्रद्धा रही तो निश्चय हो जाए और साधन बैठवा तो ले जाइए जाने उस संसार में कितनों कर्फ्यू लगल है पेट्रोल पंप बंद रहे लेकिन ये साधन के सुबह न पेट्रोल के जाने कर्फ्यू के कोनो प्रभाव नहीं और पेट्रोल देके चाहिए न करी इतना इन पहले ही से डाल देते हैं कि तू पहुंच जाइबे तब वो ही खत्म न हो बल्कि न वो बढ़ा रही नहीं तू दूसरों में डाल सकल है जिसे देखो था। तो विश्वास मिल गल अब श्रद्धा जाने ये एकदम पक्का जानो और अनुभव कुल बा एकदम पक्का था। अरे आई चाहू देखो ये शरीरी के जब चरित्र देखता है तो ये कितना जो है बाहरी लोगन के साथ है आप अपने घर में जीव के साथ परोपकार नहीं कर सकते वो तो दूसर जीव है न। जीव अनेक एक श्रीकंता तो जो दूसर जीव है नुके तू अपन कह माने है वो है मोह के कारण तब वो मोह रखबे। तो राम सिंह भाई फटाफट मूड हिला ले नहीं गुरु फिर दूसरे दिन पूछा मोह खत्म हो गल के नहीं गुरु ही दोनों में रखे मामला ठीक समझे मर्दवा कुल साधन बा बैठे एकदम भगवान के धाम में आवो जाने रहो घरे रहते हुए धाम में कोई हर वर के बात क्या छोड़ा यार
कोनो एको चौपाई बतावे जौन तू धारण करे हो वहां से बात करो। कोनो अगर दिखा गए चौकाधारी तो उसे कह सकल है अबे आल बात नहीं 50 किलो तो 10 किलो तो मिलवे करी, लेकिन पहले एक बात बताओ, एक चौपाई रामायण के बताओ जौन तोरे चरित्र में हो, नहीं बा तो बस सुना देखा आल बाय कुछ न कुछ अपन मन भगवान में लगे हो बे ले एक बत्ती गुड़ वो प्लेट में नहीं हाथे पर ठीक है और अजूरी से पानी पिया वो कदा अगर तू छू देबा लोटा तो शायद ये लोटा के जरिए तो हर एक कचरा हमारे घरे में जा सकला ये लाख नहीं बाय और निकलो कहीं जंगल पकड़ो है ना चाहे वो भ्रष्टाचारी आ जाए वहू के साथ है वैसा ही व्यवहार कहे कि सब माँ तो खून पिए है। गणेश जी से कहता है कि धन कमाने के लिए आश्रम बनवाए हैं सीधा हाँ ऐसा बाड़ी है पूछा लड़का कि महाराज ये आश्रम क्यों बनवाते हैं कहता है धन कमाने के लिए यह आवाज निकल रही है क्या समझत है ये अनिया बनिया अतुआ सतुआ जो है वो फल खा के बाबा जी बन जाइए ये जितना सब निकला बहन कलयुग में ना सब कलयुग के भाड़े के नौकर हैं इनमें कोनो बाबा बीबी के जाने तन्नी से कोनो शक्ति मिलकर लगे उछड़े वो वहां से समझो भाई देखो कितना निकृष्ट वाणी नहीं बा जहां लोग श्रद्धा लेके जा रहे हैं आप उनको धन कमाने का जरिया बना रहे हैं क्या करेगा उस धन से ठीक ना समझा जा तो फिर वैसे ही व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए हाँ कभी भूले भटके वो पुराना हिसाब से चले कि साथे जात रहे हाँ आवा तो बैठावो और गुड़ दा हाथे में और लोटा से पानी उजड़ी से पियावो और पिए ना जाना तो क्षत्रिय रघुवंशीय कुल में रहन ने राम जी रावण का वध करे रहन ने तो खींच के चाटा दे का 150 साल से जो ना कि वो हनुमान जी के मूर्ति आकर के वहाँ रखाल बा 1860 के जाना था तो देख ले 158 साल होएगा 18 चला था ना एक है राम जी का आचरण पैदा धारण करे वाला एक है मनई पूरे ग्रुप में कोई बा बेवकूफ बनावत है या ना और उस शुरुआत वही चीज़ से होई बहरे के लोगों के तो बाद में देखवाई तनको मत सोचो जने भाई ने जे धर्म के रास्ते पर ना चला हुआ धर्मी और का ब्राह्मण कुल का सम्मान बदे बा अहिरन की तरह दूध दुही बा तो थोड़ा जो ना कि ताक के जो ना ताक पैर कोई छुई समझे कुल का सम्मान करो लेकिन ये कहे में कि महाराज ये सीधा का सीधा भक्तन का खून पीना हो ऐसे ज्यादा कुछ हो नहीं बल्कि 10 लोगों के बीच में कैसे कह रहे हैं हाँ भाई सीधा सीधा हाँ महाराज का भी अच्छी तरह बेहद कई महीना साइड एक जान ले समझो अब यहाँ से ज्यादा मत कहो अब हाँ एकदम निकृष्ट बताया ना ऐसे ऐसे अंगुली करके ही शरीर को बुलाया हुआ बड़ा सच ऐसे ऐसे यह जो इशारा है यह बेस्या का इशारा होता है हाँ वही पेड़वा तो शरीर रहा ना तो वही गाड़ी से जात रहा कुछ करिया करिया पहने रहा कनका गर्दन में है ना तो वह कहे कि कभी जो है भगवान की भक्ति चाहिए तो पैदल आना बात करेंगे कहता हम यहाँ रहते कह जहाँ हम रहता है वहाँ यह नहीं जाता है आगे बढ़िए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं कि अभी कुछ बोलेंगे तो फिर समस्या हो जाएगी जाइए
नंगे पांव चल के आना पैदल पैदल, तब फिर बात करेंगे। ये बड़ा तगड़ा बोले रहे वो, अगर पूछबे कि अगर वह बात बताइए जो वहां पर बोले थे, अब दो तीन मजूर रहे तो क्या बोलवे, ठीक ना समझा जाए। माने कि ये सब बिल्कुल जो है जो रास्ते पर ले जा रहा है भक्तों को, ठीक ना। वो तो उसमें अगर आप पुराना स्वभाव का आधार रख लेंगे तो यह धर्म का काम, ठीक ना। तो अभी प्राय यह है कि योगी को योग साधन में उसका विधान करने वाले शास्त्रों में, आचार्यों में और योग साधन के फल में पूर्ण रूप से श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। जहां आचार्य में पूर्ण रूप से विश्वास रखना चाहिए, तो इसको सब 50 बार कहेंगे कि हम आचार्य हैं और तुमको मेरे अंदर पूरा विश्वास। हाँ, जहां अपन वाली बात है, समझो। अगर कोई नहीं निकला तो जरूर कहीं कपट कह के बाप वो खिलावन जी नहीं रगी ले। एवं योग साधन में ही अपने जीवन का मुख्य कर्तव्य मानकर और परमात्मा की प्राप्ति रूप योग सिद्धि को ही ध्येय बनाकर दृढ़ता पूर्वक तत्परता के साथ उसके संलग्न हो जाना चाहिए। माने जो ध्येय वस्तु हो वह हो भगवत भाव की प्राप्ति, ठीक ना। हाँ, अहिंसा परमो धर्म, अधर्म हिंसा तदैव च, जने क्यों बोला ना भाला कूटे वाले, जने ऐसे ही खैच खैच, धर्म हिंसा तदैव च, क्या है क्या है वो बनिया जो है, जने आ गया वो कपटी, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म करके खा गया, ठीक ना। देखिए भैया, श्री राम जी पाखंड का खंडन करते हैं, तो ये पाखंड नहीं है, पहले समझ लिया जाए कि ये पाखंड नहीं है तो है क्या, इस मार्ग पर चल के क्या होगा, क्या लगता है, कर्म के अनुसार जीव की गति होनी है। जो जीव इस समय कर्म कर रहा है, झूठ के पहाड़ से लदा हुआ है, वो उसको मनुष्य की गति मिलेगी, ठीक ना। यहाँ कोनो भी बात यहाँ से जाई बिना प्रमाण के खिलौन भाई, तो वहाँ आप सोचा कि नहीं बा, अब वहाँ सीधा सीधा सोचना ही बा कि अगर कभी दुआरे आ गए तो इसी हाथे पर गुड़ दी आई और लोटा में अजूरी से पानी, कहे बहुत बड़ा बेइज्जती कर रहे हैं बाबू साहब आप, कहे बेइज्जती नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो जूता लेके मारा बैठी ना, क्योंकि आपका जो अपना धर्म है यह वेद कहते हैं, अधर्मी कोई भी हो, ठीक ना। हाँ, और भगवान राम जी कहते हैं यदि करो हजारों ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ा हो फिर भी मेरे शरण में जीव आता है तो मैं उसको त्यागता नहीं हूं। ले कोनो जरूरी बा कि मंगल पांडे खाली जो है गोरखपुर में कि बलिया में,
वही ना पैदा हो सकल है। खाली रघुवंश मणि शिरोमणि अयोध्या में पैदा हुई है, यह कल्लू सिंह के वंश में नहीं हो सकते। उनके बदे का बाबू तो जहर दी है, वो इतना प्रकट हो गई है, लेकिन कैसे हो ले कि हरि व्यापक सर वस्त्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना जाने। तो देखो प्रेम से आप लोग में बीजोनी भाव आवता है, प्रेम के कारण आवता। नहीं अगर वह कहते, अगर यही चीज़ देखो तो यह दोनों बात समझ ले। तो थोड़ा सोच ले, आप क्षत्रिय कुल में है, आपका ये धर्म है, डंडा उठाइए और जाइए उसको मारिए दो डंडा, नहीं तो फिर यह सब कथा तभी जो स्थिति बात कर महाराज कथा हो चाहे न हो, लेकिन अब इतना आप छोड़ लेवे ने तो वो ये काम न हुई। लेकिन अब यह भाव जब सुनत रहे और सब समझ में आवा था हर प्रकार से। हाँ ठीक है, तो वो ऐसा स्थिति आ सकला और कहीं समाज उमाज देखे के जरूरत नहीं बा। का करो था तू भक्तन का खून पिए बोले तू आश्रम बनवाता है बेचारा कुल जाने कुल यादव बस्ती के एकाक दू जने आए कहे महाराज आपके देखा ताई तो कितना बढ़िया लगा था, खेर रहा छत बा बतावा ताई कुल डरावा कटवा करके कटावा तार से। हाँ महाराज जी, तो हम खुद आपके यहाँ जब जाते हैं तो हम यही कहने जाएं। हाँ है यही रस्ता से नहीं आप पढ़े कुटिया पर मिडिल स्कूल रहा तो उसमें एकदम पूरा एकदम दमोदर दास रहे तो पूरा एकदम बरसा उतर जाए और निकल ठीक न। अब वहाँ साइकिल से जाए लायक नहीं ना हुई महाराज तो वो ऐसा पूरा बाउंड्री करवा दिए हैं कैसे गुरु को ये नहीं जाते न। सही कितना देखा ऐसे हुआ चाहिए भाई महाराज जब अब जनक जी का रोल मत कर दे कि अब मैंने मान लिया पृथ्वी वीरों से खाली है, अभी मत निकलवावे उसने पहले ही समझ जा जने। हाँ तो परमात्मा को प्राप्त देखा भाई प्रेरणा वाला प्रसंग बा तो प्रेरणा जाए के चाहिए सही। देखा वो स्त्री वाला एक बार प्रसंग आ रहा कि माँ की ममता में पुत्र से सुख भोग की प्राप्ति की इच्छा होती है, एक अर्थ बा कि मेहरारू के बीच में रह करके वो देवे का अधिकार कहाँ देवे। यही से नारी के प्रवचन सुनने का अधिकार वो खाली अपने पति परमेश्वर के चरण में जाने चित लगा ले। राम सिंह भाई उनका उतने से कल्याण हो जाए। सतयुग का स्थापना का नींव वही दिन पड़ी ओकरे आगे तू समझ गया होबे। समझ गई ना कि बोली का जौने दिन शिवधन के ओकरे आगे तो समझ गए होबे अपने पति परमेश्वर के चरण में चित लगा दी है। गणेश जी तू तो बात कर अफोबर है तो देखे यार इतने बार इतने खाली समय बचा बा जाने जौने दिन चित्त परमेश्वर के चरण में लगा दी वही दिन सतयुग का न्यू पड़ जाई गाय जन्म न हुई
चलो ठीक, कोई बात नहीं। तो वास्तव में योग का फल है परमात्मा की प्राप्ति। तो परमात्मा का जो भाव है, उस भाव से थोड़ा भी भेद नहीं होना चाहिए। अगर परमात्मा दंभ का खंडन करते हैं, तो परमात्मा को प्राप्त पुरुष भी दंभ का खंडन करे, यह ना? और ओके, अब जाना था कि काटे पे कदरी पर है, वो ऐसे माने वाला नहीं बहन कि गुरु तू अपन बिगाड़ा था खाली, ऐसे कब कह रहे बहू साहब महान थाम है कि तू है, इतना बड़ा हम देखा नहीं कि तू देखत है, वो तर्क कुतर्क हुआ लगी। तो यह कह करके, यही योग है, ठीक ना? ये सब मात्र परमात्मा की लीला स्थली है, यहां पर जितनी भी क्रियाएं हो शरीर के द्वारा, उससे अपना कोई संबंध कभी भी किसी भी अवस्था में ना हो, तब तो आप पक्का योगी है, ठीक ना? नहीं तो बच्ची तो क्या आशीर्वाद दे रहे है ना? तो तोरे मेरारू का जो है शिक्षा मित्र से वो होगा, जाने राजकुमार अपन 30,000 पहला सैलरी लिया के दे दे जाके, राजकुमार जो है पहला सैलरी मेरा रूप आए तो कहा तू समझ गई ले ई हाल बा भाई। देखो क्या कर रहे आज निकाल गए शिक्षा में, आज शिक्षा में तुम निकाल गए, निकाल सभी तो 30,000 लौटाइए। मैं आदेश होगा या तो आप टीसी पास करो, हाँ, या तो बीएड रहो या तो बीटीसी रहो, तीन में से फिर अभी हम न रखती टीसी पास है ना कब तक, ठीक ना? तो चलो तो लौट आइए, ये कौन चक्कर भाई यार कि आशीर्वाद है नौकरी रखे तो पहला साल ही से गणेश जी हमारा जिया कुल होता है ये का होता तोरे राज में है, तू खाली लकड़ी के गणेश जी है अब सच्चो के गणेश जी बना जाने, ऐ देखो सूंड में पकड़े और उठा उठा के झटका, और ऐसा झटका कि वो सीधे जो है गंगा जी से होते हुए पाताल लोक में चला जाए, बल्कि कर्म नासा में डालता तो वो ज्यादा ठीक बा, गंगा जी में चलता तो तौर जाए, ठीक ने? देखे आनंद आता है कि आनंद के समझो, हाँ। तो यह कहकर उसे प्राप्त करना निश्चित कर्तव्य बतलाए हैं, बाकी संसार में कुछ प्राप्त करना वो भरम हो, खिलावन बा वो का हो भरम हो, दो मंजिला मकान बा कि एक मंजिला, आपका मकान दो मंजिला बाकी एक मंजिला है पूरा डेढ़ होगा बा, यह माया जगत में दिखवाना है, रवि गुरु गए अमेरिका आवे तो बढ़िया कम से कम 8 सल्ला
बने कुशा बल दिख जाए। हाँ, और हर जगह पंडित शिवबली पांडे जी के नाम लिखा जाए, बने जन बब्बा रहन उनका नाम रहा मेवा, ठीक न। और उन्हों के जो बाऊ रहा उनका नाम रहा बच्चू, जने। और बच्चू के जो दादाजी रहे वो रामनगर के जो किला बा ओकर राज पुरोहित रहे, ओकर राज पुरोहित रहे। क्या कर रहे बड़ा ऐसे ही बंसावली कुल। हाँ, तो जौन निश्चित कर्तव्य बा जौन कहला कर्तव्य कर्म, तो वह निश्चित कर्तव्य है भगवत भाव की प्राप्ति, और उसके लिए चाहिए आसक्ति रहित सेवा। कहिया से शुरू हुई आसक्ति रहित, तो मतलब आसक्ति रही फिर हमें क्या करवा एक कर मिला के। ठीक ना। तो अब अगले बैठक में इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए अभेद रूप से परमात्मा के ध्यान योग का साधन करने की रीति बतलाई जाएगी। ठीक ना। परमात्मा का प्राप्ति वो मुख्य कर्तव्य कर्म हो, और ये तो साइड में। ठीक ना, ये सब साइड में। तो समझ में आएगा, यही प्रेरणा वाला प्रसंग आज, परमात्मा की प्राप्ति के हेतु प्रेरणा। ठीक ना। तो प्रेरणा पहुंच गया बा कि नहीं पहले ही बतावे, पहुंचा बा। ओके ना। इतना ख्याल अगर एक चीज और खाली अपने बुद्धि में बैठा देवे कि अब पहले वाले स्वभाव का प्रभाव अपने बुद्धि पर न पड़े दे, नहीं महाराज, जो सही वो सही, जो गलत वो उमें तनको जो है भाई, नहीं महाराज जी से बदल। हाँ, वो झूठा के बेद पढ़ावे के ड्रामा जोन करो था, एक खे बताओ अगर कोई निकला हो ये ने। तो आज इसी बाणी के साथ बोलिए कृष्ण भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री